नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे इस नए वीडियो में। फ्रेंड्स, जो पिछले टेट्स वगैरह और डीएसएसबी के जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं उनके जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उनकी सीरीज मैंने शुरू की है। इस सीरीज का ये पार्ट नंबर 3 है। और फ्रेंड्स, जो डेली करंट अफेयर्स के लिए मेरा एक और चैनल है रजनेश राठी करंट अफेयर्स के नाम से, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन और कॉमेंट्स में पिन कर दिया है, तो वहाँ आप जा सकते हैं। और इस चैनल पर भी करंट अफेयर्स, मासिक करंट अफेयर्स, जो मंथली 20 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस का मैं डालता रहूँगा। तो पहले क्वेश्चन के साथ शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, बुद्धि लब्धि संबंधी विभिन्नताओं में कौन सम्मिलित नहीं है? बुद्धि लब्धि संबंधी विभिन्नताएँ होती हैं उनमें कौन सम्मिलित नहीं है? औसत बुद्धिमान, बुद्धिमान, कला में रुचि या मंद बुद्धि? कला में रुचि, देखिए ये डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। आप भी इन क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश करें, कॉपी पेन लेकर बैठें और या कमेंट बॉक्स में लिखते जाएं हर एक क्वेश्चन का। और 3448 के क्वेश्चन आपके लिए हैं जिनका जवाब देकर आप अगले वीडियो में अपने नाम शामिल करवा सकते हैं। तो कला में रुचि अलग है, कुछ बच्चे औसत बुद्धिमान होते हैं, कुछ बुद्धिमान होते हैं और कुछ मंद बुद्धि के होते हैं, कुछ बीच के होते हैं, कुछ इंटेलिजेंट होते हैं, कुछ मंद बुद्धि। बिल्कुल भी अच्छा टेट का क्वेश्चन है ये सभी क्वेश्चन, टेट एग्जाम्स और डीएसएसबी के प्रीवियस एग्जाम्स के क्वेश्चन इस वीडियो में मैंने लिए हैं। अगला क्वेश्चन है, इनमें से बौद्धिक वातावरण को प्रभावित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन सा है? बौद्धिक वातावरण की बात आ रही है यहाँ, तो पास पड़ोस का वातावरण थोड़ी प्रभावित करता है बौद्धिक वातावरण को, नहीं करता। परिवार का वातावरण भी इतना नहीं प्रभावित करता, और कल्चरल इन्वायरमेंट, ये तो बिल्कुल अलग ही चीज़ आ गई। सबसे ज़्यादा प्रभावित करने की बात आती है तो विद्यालय का वातावरण, वहीं से बच्चा सीखता है बौद्धिक यानी अपनी बुद्धि को बढ़ाने के लिए, तो ये इसका सही आंसर होगा। प्याजे के अनुसार अगला क्वेश्चन है, प्याजे के बारे में काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते रहते हैं प्याजे के बारे में। यह प्याजे के अनुसार विकास की प्रथम अवस्था जन्म से 2 वर्ष तक में बच्चा अधिक उपयुक्त प्रकार से जिसके द्वारा सीखता है वह, यानी प्याजे की पहली अवस्था है इंद्रिय गामक अवस्था यानी सेंसरी मोटर स्टेज, उसमें किस तरह सीखता है बच्चा? पहला ऑप्शन है, दूसरा है, तीसरा है, चौथा है, आप खुद कोशिश करिए। और इसका सही जवाब है इंद्रियों के प्रयोग, उसके नाम से स्पष्ट हो रहा है, इंद्रिय गामक अवस्था यानी सेंस, इंग्लिश में सेंसर मोटर स्टेज, इंद्रियों के प्रयोग द्वारा सीखता है। एचटेट का क्वेश्चन है, प्रीवियस एग्जाम्स के क्वेश्चन है ये सभी। और अगला क्वेश्चन है, सीखने में प्रयास एवं भूल का सिद्धांत का प्रतिपादन, ये देखो 2 बार पूछा गया है पिछले 1 साल के अंदर अंदर, यूपी टेट 2017 में और यूपी टेट 2016 में, यानी एक ही एग्ज़ाम में यूपी टेट में 2 बार लगातार रिपीट हो गया। ये थोरन डाइक ने दिया है, उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत के अंतर्गत। और प्रयत्न एवं भूल लिख के 2016 में पूछा था और प्रयास एवं भूल लिख के 2017 में, एक ही क्वेश्चन है दो दो बार। अगला भी इससे रिलेटेड है, ये एच टेट जो अभी हुआ था, एच टेट 24 दिसंबर 2017 का क्वेश्चन है ये। यह अधिगम के नियम के तहत तत्परता का नियम किसने प्रतिपादित किया? अभी लेटेस्ट 10 दिन पहले एग्जाम में पूछा गया, एडवर्ड एल थॉर्नडाइक ने यह प्रतिपादित किया था। अगला क्वेश्चन आपके लिए, सामान्य संयुक्त कोशिका में गुणसूत्रों के कितने जोड़े होते हैं, यानी जोड़े पूछ रखे हैं यूपी टेट 2017 इसी अभी का एक क्वेश्चन है, लेटेस्ट क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया। तो कितने जोड़े होते हैं? 23 जोड़े। और कुल गुणसूत्र कितने होते हैं? 23 तो जोड़े होते हैं, 23 × 2 यानी 46 गुणसूत्र होते हैं। यदि कुल गुणसूत्र भी पूछ ले, मनुष्य और चूहे में बराबर होते हैं गुणसूत्रों की संख्या, आपको पता होगा, तो इस तरह क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, 23 × 46 होते हैं, वैसे जोड़े में 23 हैं। और अगला क्वेश्चन है, कोल्लर निम्न में से किससे संबंधित हैं? कोल्लर्स, ये भी यूपी टेट 2017 का लेटेस्ट क्वेश्चन है, और ये संबंधित है अधिगम के सिद्धांत से, इन्होंने सूझ का सिद्धांत दिया था कोल्लर ने, तो अधिगम का सिद्धांत हो गया ये। अगला क्वेश्चन है, इनमें से किस क्षेत्र में एनसीईआरटी मनोविज्ञान का प्रयोग कर रहा है?
एनसीईआरटी का नाम सुनते ही आपको एनसीईआरटी की बुक्स ध्यान आ गई, जो बुक्स छापता है बच्चों के पढ़ने के लिए, पाठ्य पुस्तकों का निर्माण करता है, एनसीईआरटी करता है। तो आसानी से इसको टिक आउट कर लेंगे आप इस ऑप्शन को। स्टेट का क्वेश्चन है ये, सभी पाठ्य पुस्तकों के शुरू में एनसीईआरटी की फुल फॉर्म होती है, नेशनल काउंसिल फॉर एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस कारक का सीखने पर सबसे कम प्रभाव पड़ता है? सबसे कम प्रभाव किस कारक का पड़ता है ये बताना आपको, थकान है, आयु है, रोग है, लिंग भेद है। सबसे कम प्रभाव लिंग भेद, जेंडर डिफरेंस, इस तरह के क्वेश्चन बहुत ही पूछे जाते हैं कि लिंग भेद का तो कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ता सीखने पर, लड़का है और लड़की हो, लड़कियां भी टॉप करती हैं खूब 10th 12th में और हर क्षेत्र में आगे हैं, कोई भी क्षेत्र में पीछे नहीं है, तो इसका कुछ भी सीखने पर प्रभाव नहीं पड़ता। और सबसे ज़्यादा प्रभाव इलनेस, ये तो हो ही गया, आयु का थोड़ा कम है उससे और थकान का थोड़ा कम है, थकान तो थोड़े ही टाइम के लिए रहती है। और अगला क्वेश्चन आपके लिए, इनमें से कौन सा लक्षण बहिर्मुखी व्यक्तित्व एक्सट्रोवर्ट पर्सनैलिटी का नहीं है? एचटेट का क्वेश्चन है। एक्सट्रोवर्ट बहिर्मुखी व्यक्तित्व का देखिए मिलनसार होता है वो बच्चा, ऑप्शंस में दे रखे हैं, और सेकंड ऑप्शन है नेतृत्व शक्ति, आक्रामक स्वभाव, और चौथा है दीवा स्वपन देखने वाला, डे ड्रीमर। तो आप आसानी से टिक आउट कर लेंगे इसमें से, दीवा स्वपन देखने वाला, डे ड्रीमर अलग छट जाएगा इसमें। ये किसकी क्वालिटी है ये डे ड्रीमर होने की? ये अंतर्मुखी व्यक्तित्व वाले की, जो कि स्वयं में रुचि लेता है और शर्मिला स्वभाव का होता है। देखिए अंतर्मुखी व्यक्तित्व वाला व्यक्ति की मिलनसार नहीं होता, वो अंतर्मुखी खुद में बिजी रहता है, मिलनसार नहीं रहता, खुद में मस्त रहता है वो तो। और नेतृत्व शक्ति, नेतृत्व तो वो शर्मिले स्वभाव का होता है, नेतृत्व नहीं कर पाता, और आक्रामकता तो उसमें रहेगी, बहुत ही भोला ही मान लो उसको, इतना आक्रामक स्वभाव नहीं होता, शांत स्वभाव का रहता है बिल्कुल ही, और दीवा स्वपन देखने वाला होता है वो। तो ये है अंतर्मुखी के व्यक्तित्व वाले के गुण। और बहिर्मुखी तो आपको पता है नेतृत्व में आगे रहता है और नेता के गुण रहते हैं, मिलनसार रहता है, आक्रामक स्वभाव का रहता है। अगला क्वेश्चन आपके लिए, निचली कक्षाओं में शिक्षण की खेल विधि किस पर आधारित होती है? तो निचली कक्षाओं में शिक्षण की खेल विधि आधारित रहती है शारीरिक शिक्षा कार्यक्रमों से, शिक्षण की विधियों के सिद्धांत से, विकास तो ये आधारित होती है विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर आधारित रहती है निचली कक्षाओं में खेल विधि। स्टेट का क्वेश्चन है ये। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा बालक के मानसिक स्वास्थ्य पर प्रभाव डालने वाला कारक नहीं है? परिवार में गरीबी बिल्कुल डालती है मानसिक स्वास्थ्य पर असर डालती है, जिसको कम फैसिलिटीज़ मिलेंगी उसके दिमाग पर प्रभाव पड़ेगा, और फैसिलिटी भी पूरी तरह से अमीर परिवार के अलग ही माइंड लेवल होगा उसका। कक्षा में नींद आना, सने का अभाव दिमाग को प्रभावित करेगा बिल्कुल, और पारिवारिक क्लेश ये तो करेगा ही करेगा। कक्षा में नींद आना, देखिए ये एक अच्छा साइन है कि कहीं भी नींद ले सकता है, यानी माइंड अच्छी तरह सेटअप है, नींद अच्छी ले रहा है बच्चा तो अच्छी बात है, और कक्षा में नींद आने का और भी कोई कारण हो सकता है, तो फ्रेंड्स ये इसका रीजन नहीं है। तो फ्रेंड्स तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, यानी कक्षा में नींद आना। और अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी अभिवृत्ति की विशेषता नहीं होती है? देखिए तीन तो क्वालिटीज़ हैं अभिवृत्ति की और एक डिसक्वालिटीज, इसकी क्वालिटी नहीं है, यह प्रेरणात्मक होती है, यह हमारे व्यवहार का आधार होती है, यह अस्थाई होती है, यह सीखी जाती है अस्थाई। आप इसमें शॉर्ट ट्रिक भी यूज कर सकते हैं यदि माइंड में कुछ भी नहीं आ रहा तो, ये तीनों इसके पॉजिटिव पॉइंट दे रखे हैं और नहीं पूछ रखा है, ये इसकी नेगेटिव पॉइंट दे, ये अस्थाई होता है, स्थाई का उल्टा अस्थाई होता है, तो ये नेगेटिव पॉइंट है, इससे भी आप ध्यान रख सकते हैं। तो फ्रेंड अगला क्वेश्चन आपके लिए, एक बालक की संज्ञानात्मक शक्तियाँ जैसे कल्पना शक्ति, बुद्धि, निर्णय लेने की क्षमता आदि का संबंध है बालक के। आपसे कोई पूछे कि संज्ञानात्मक शक्तियाँ क्या होती हैं तो आप बता सकते हैं कल्पना शक्ति, बुद्धि और निर्णय लेने की क्षमता संज्ञानात्मक शक्ति यानी कॉग्निटिव पावर होती है। और
संज्ञानात्मक विकास का भी इससे आइडिया लग रहा है आपका कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट क्या होता है, कल्पना शक्ति, बुद्धि, निर्णय लेने की क्षमता आदि का विकास ही संज्ञानात्मक विकास है। तो ऑप्शन दे रखे हैं इसमें का संबंध है बालक के, तो ये सभी शक्तियाँ बुद्धि वगैरह मानसिक विकास से ही संबंधित होंगी, मेंटल डेवलपमेंट से ही, तो ये इसका ऑप्शन सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है उपचारात्मक विधि रिमेडियल मेथड का प्रयोग किन के लिए करते हैं, सामान्य बच्चे के लिए, उपचार की ज़रूरत देखो किसको होगी, जो बीमार है उसी को तो होगी उपचार की ज़रूरत, और समस्यात्मक बच्चों के लिए होगा ये, तो सामान्य बच्चों के लिए कभी नहीं होगा, प्रतिभाशाली बच्चों के लिए उपचार की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, जो पहले से ही सही है उसको कहाँ ज़रूरत है, तो ऑप्शन बी समस्यात्मक बच्चे इसका सही है। अगला है ये, इस क्वेश्चन का आपको जवाब देना है कमेंट बॉक्स में लिखना है, और एक 48 का क्वेश्चन है, दोनों के आपको जवाब कमेंट बॉक्स में निकलना है। वाइगोत्स्की का संबंध किससे है, सीधी सी बात है, कौन से क्षेत्र से संबंधित है, नैतिक, शारीरिक, सामाजिक, आनुवंशिक, DSSB का क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है जब बच्चा फेल होता है तो इसका तात्पर्य है, बच्चा फेल हुआ, DSSB 29 दिसंबर 2013 क्वेश्चन है, तो बच्चा फेल हुआ है इसका मतलब, आप भी ट्राई करें चार ऑप्शन देख के, तो इसका मतलब है व्यवस्था फेल हो गई है, व्यवस्था फेल हुई है, बच्चा फेल हुआ है तो बच्चा फेल नहीं हुआ, उसकी कमी, बच्चे की कमी किसी तरह से भी नहीं है, बच्चा पढ़ाई के योग्य कभी नहीं हो सकता बच्चा हमेशा, और प्राइवेट ट्यूशन से कोई फ़ायदा उसको, प्राइवेट ट्यूशन को तो इतना फ़ायदेमंद होता ही नहीं, टाइम की बर्बादी रहती है, और बच्चे दूसरों पर डिपेंड होना शुरू कर देते हैं प्राइवेट ट्यूशन से। अगला क्वेश्चन आपके लिए, इनमें से कौन सा समस्या समाधान की वैज्ञानिक पद्धति का पहला चरण है, देखिए आपको किसी समस्या का समाधान करना है तो पहला चरण क्या होगा, अभी आप समझ लो कि आपको DSSB का एग्ज़ाम क्लियर करना है, समस्या आपके लिए ये, इसका समाधान करना है, तो उसकी उसका पहला चरण क्या होगा कि उसके प्रति पहले से ही जागरूक हो, अभी से आप जागरूक हो जाएं, अभी से पढ़ने लग जाएं, मेहनत करने लग जाएं, यदि एग्ज़ाम के पास 10 दिन पहले तैयारी करने बैठेंगे तो कभी नहीं हो सकता, तो समस्या के प्रति पहले से ही जागरूक हों कि ये समस्या आगे आने वाली है और इसकी तैयारी हम पहले से ही करके रखें, पहले से जागरूकता ज़रूरी है, तो जागरूक हो जाए जल्दी से, जुड़ जाए मेरे चैनल से। और अगला क्वेश्चन है शिक्षार्थी व्यक्तिगत भिन्नता प्रदर्शित करते हैं, अतः शिक्षक को व्यक्तिगत भिन्नता होती है बच्चों में, तो अतः शिक्षक को क्या करना चाहिए, कठोर अनुशासन सुनिश्चित, कठोर अनुशासन से कभी कुछ भी फायदा नहीं होने वाला है, इसको तो पहले काट दो, अधिगम की एक समान गति पर बल देना चाहिए, देखिए बच्चों में व्यक्तिगत भिन्नताएँ हैं, आपस में भिन्न भिन्न हैं, तो अधिगम की एक समान गति में वो कैसे पढ़ेंगे, ये भी गलत है, परीक्षाओं की संख्या बढ़ा देनी चाहिए, परीक्षाओं से कुछ नहीं होने वाला, परीक्षा रोज़ लेते रहिए उनसे कुछ फ़ायदा नहीं होने वाला। तो अगला क्वेश्चन है सीखने के विविध अनुभवों को उपलब्ध कराना चाहिए, अलग अलग अनुभव उपलब्ध कराएँ सीखने के, DSSB का क्वेश्चन है 2013, तो उससे फ़ायदा मिलेगा, व्यक्तिगत भिन्नता को संतुष्टि मिलेगी, अलग अलग कौन सा बच्चा क्या अब तक किस विधि से सीख जाए। और अगला क्वेश्चन है थोरनडाई का सिद्धांत इनमें से कौन सी श्रेणी में आता है, UPTET का क्वेश्चन है ये, इसका आंसर है व्यवहारात्मक सिद्धांत। और अगला थोरनडाई के बारे में पता ही होगा आपको, टिब्बी बिल्ली पर इसने परीक्षण किया था, और टिट्टी यानी पीछे भी पूछे गए क्वेश्चन, तत्परता का सिद्धांत, प्रयास एवं भूल का सिद्धांत, पीछे भी रिपीट कर लिए मैंने क्वेश्चन, तो ये किसने दिए हैं, HTET में 2-2 बार पूछे गए क्वेश्चन है, और UPTET में भी प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत, ये थोरनडाई के हैं। अगला क्वेश्चन है मिरर ड्राइंग परीक्षण इनमें से किसके मापन से संबंधित है, देखिए मिरर शिष्य का नाम आते हैं, लोग रोज़ पर्सनैलिटी देखते हैं, तो ये ऑप्शन को टिक करेंगे, लेकिन ये टोटली रॉन्ग है, दिसंबर 2016 का क्वेश्चन है ये, यह है अधिगम का, लर्निंग का, मिरर पर ड्राइंग कुछ कलाकारी बना के उस अधिगम का परीक्षण करते हैं, तो ये अगला क्वेश्चन आपके लिए, देखिए शिक्षक एक बच्चे को डांटता है, शिक्षक द्वारा डांट पड़ने पर छात्र यदि घर जाकर अपनी छोटी बहन पर गुस्से का इजहार करता है,
शिक्षक एक बच्चे को स्कूल में डांटता है, वो घर पहुंचता है और बस्ता, ऐसे भी क्वेश्चन पूछे गए हैं कि बस्ते को बच्चा फेंकता है तो इसका कारण क्या है। और इसमें इस क्वेश्चन पर आते हैं हम, छोटी बहन पर गुस्से का इजहार करता है तो ये किसका लक्षण है। यूपी टेट का क्वेश्चन है ये 19 दिसंबर 2016 का। यह है विस्थापन का, डिस्प्लेसमेंट, अपने गुस्से को विस्थापित कर दिया उसने, अपने दिमाग को संतुष्ट कर लिया। अगला क्वेश्चन है लक्ष्य निर्देशित व्यवहार में बाधा आना खाली स्थान कहलाता है। देखिए लक्ष्य निर्देशित व्यवहार, यदि आपने कुछ लक्ष्य निर्धारित किया है अपने के लिए आईएएस बनने का, तो उसमें निवारण नहीं हुआ उसका, लक्ष्य का निवारण इतनी जल्दी से इतना बड़ा लक्ष्य पूरा नहीं होगा, तो वह कुसमायोजन में बदल जाता है फिर आपके दिमाग में, और कुसमायोजन फिर कुंठा का निवारण नहीं होता, कुसमायोजन होगा मानसिक विकार में बदल जाएगा, तो इसी को कहते हैं लक्ष्य निर्देशित व्यवहार में बाधा आना और उसका दिमाग पर असर पड़ना, यह कुंठा है इसका, फ्रस्ट्रेशन इसका सही आंसर है कुंठा। और अगला है आँख का रंग कौन सा कारक प्रभावित करता है। आँख का रंग सभी को पता है आनुवंशिकता, माता पिता से जो गुण मिलते हैं उन्हीं से प्रभावित होते हैं आँखों का रंग, हेरिडिटी से प्रभावित होता है, किसी का आँखों का रंग इसी से निर्धारित होता है। और अगला क्वेश्चन है आधार आयु निम्नलिखित से किसके मापन से संबंधित है। यूपी टेट का क्वेश्चन है ये आधार आयु। आधार आयु को देखिए आप और भी नाम, बेसल एज इंग्लिश में, बेसल एज, क्रोनिकल एज, MA/CA जिसको बोलते हैं फार्मूले में आती है वो, और वास्तविक आयु भी बोलते हैं इसको, तो ये किसके मापन में काम आती है। देखिए मैं फार्मूला लिख के बताता हूँ, मैं IQ यानी बुद्धि लब्धि का, इसका सही जवाब है बुद्धि है, इंटेलिजेंस, बुद्धि लब्धि का ये फार्मूला लिख रखा, MA/CA मानसिक आयु / वास्तविक आयु / 100, ये किसका फार्मूला है बुद्धि लब्धि का, और ये किसने दिया था ये अगले क्वेश्चन में मैं आपको बताऊं भी का। तो ये बुद्धि के मापन में काम आता है, तो समझ गए होंगे आप इसके। अगले क्वेश्चन में आपको इस फार्मूले का यूज करना है और कमेंट बॉक्स में जवाब बताना है। इसमें दे रखा है देखिए उस 16 वर्षीय बच्चा, यानी वास्तविक आयु क्या हो गई 16 वर्ष, 75 अंक प्राप्त करता है, यानी बुद्धि लब्धि हो गई 75 हो गई उसकी, बुद्धि लब्धि भी दे रखी है, तो मानसिक आयु ज्ञात करनी है आपको, और ये फार्मूला भी सभी को लिख के बताना है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा बार जो सबसे ज़्यादा साइको के क्वेश्चन रिपीट हुए हैं ये फार्मूला रिपीट हुआ है, फार्मूला एक बार प्रैक्टिस करना है, कमेंट बॉक्स में आपको लिख के बताना है। अगला क्वेश्चन है टर्मन और खालिस्तान ने 1916 में बुद्धि लब्धि का फार्मूला दिया था। टर्मन 1916 की जगह कई बुक्स में और भी सन लिखी रहती हैं, तो ये है स्टर्न है, स्टर्न ने ये फार्मूला दिया था बुद्धि लब्धि का टर्मन के साथ मिलकर, जो बुद्धि लब्धि IQ पिछले दो क्वेश्चनों में आपका आंसर निकालने के लिए जो यूज किया है आपने MA/CA MX/100, ये एक फार्मूला इसने दिया है टर्मन ने। अगला क्वेश्चन है केंद्रीय तंत्रिका तंत्र सेंट्रल नर्वस सिस्टम में होते हैं। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में क्या होते हैं, सभी अंग नहीं हो सकते, मस्तिष्क होता है, मेरुदंड होता है, मस्तिष्क और मेरुदंड दोनों होते हैं, ये सही जवाब है इसका ऑप्शन 4, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, आपने छोटे बच्चों की पुस्तक में देखा भी होगा उसका चित्र, जो अस्थि पिंजर का जो चित्र बना हुआ होता है स्पाइनल कॉर्ड यानी रीढ़ की हड्डी और मस्तिष्क का, वही होता है केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का चित्र। और अगला क्वेश्चन है एक शिक्षिका अपने शिक्षार्थियों की विभिन्न अधिगम शैलियों को संतुष्ट करने के लिए वैविध्यपूर्ण कार्यों का उपयोग करती है, वह खाली स्थान से प्रभावित है, अलग अलग शिक्षण पद्धतियाँ यूज करती है एक शिक्षिका बच्चों के लिए, क्या पता इससे अच्छे तरीके से सीख जाएं, क्या पता इससे अच्छे तरीके से सीख जाएं बच्चे, तो ये DSSB 2013 का क्वेश्चन है, तो वह गार्डनर के बहुबुद्धि के सिद्धांत से प्रेरित है, ये ध्यान रखना आपको। और ये क्वेश्चन आपके लिए है जो अगले वीडियोज में आपका नाम शामिल करवाएगा, निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत है, 4 ऑप्शन ध्यान से देख लें,
विकास हमेशा रेखीय होता है या निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। विकास की सभी प्रक्रियाएं अंतर संबंधित हैं, सभी की विकास दर समान नहीं होती है। विकास का सिद्धांत है तो ये आपको यानी है नहीं नहीं दे रखा है, यहाँ है दे रखा है, ये ध्यान रखना। देखते हैं कौन सही जवाब देता है, पूरा पूरा लिख के बताना है कौन सा सही जवाब है इसका। और पिछले वीडियो में जो मैंने क्वेश्चन पूछा था उसके तीन ही सही जवाब आए हैं, ये जो लिख रखे एक दो तीन। और इस वीडियो के लिए भी आखिर में आपसे कुछ एक क्वेश्चन पूछ लेता हूँ आसान आसान। RTE एक्ट, राइट टू एजुकेशन एक्ट कब लागू हुआ था? RTE एक्ट किस कब लागू हुआ? 2010 में लागू हुआ था, डेट आपको बतानी है। और RTE एक्ट पास कब हुआ, साल लिख कर बता दीजिए, डेट लिख कर बता दीजिए तो और भी अच्छी बात है। और RTI इनसे मिलता राइट टू इन्फॉर्मेशन यानी सूचना का अधिकार किस तारीख को लागू हुआ था, ये भी आप लिख कर बता दीजिए। और पिछले वीडियो के सही जवाब देने वाले हैं सोनिया सिंह गुरुग्राम हरियाणा से, गुड़गांव से, और नीरज चौधरी रोहतक हरियाणा से हैं, और तीसरे हैं नीरज निर्जा शर्मा हैं और श्याम त्रिपाठी ये पिछले वीडियो से हैं, श्याम त्रिपाठी और राजीव रंजन। तो फ्रेंड्स धन्यवाद आपका वीडियो को देखने के लिए, और मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए, और मेरे चैनल पर विजिट करना न भूलें, दूसरे जो नया चैनल मैंने बनाया है उसके उस पर।